नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के दैनिक राशिफल कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 10 सितंबर 2020 दिन गुरुवार है। यह दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल के कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार, मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। सूर्य उदय सुबह 6:04, सूर्यास्त शाम को 6:32, चंद्रोदय रात को 11:34, चंद्रास्त सुबह 12:58, तिथि कृष्ण पक्ष की अष्टमी 3:34 तक, 11 सितंबर तक, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र 1:39 तक, योग वज्र योग 6:37 तक, करण बालव 2:55 तक, कौलव 3:34 तक, वार गुरुवार। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपकी राशियों का हाल, क्या कहता है आपका राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज पूरे मन योग द्वारा घर के सभी सदस्यों की जरूरतें पूरी करने में समय व्यतीत करेंगे। घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा, परंतु काम की अधिकता के कारण आप घर पर अधिक समय नहीं व्यतीत कर पाएंगे, परंतु अपने लोगों की खुशी में ही आप अपनी खुशी ढूंढ लेंगे। बहुत अधिक मेहनत और थकान की वजह से कभी कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, जिसकी वजह से बिना बात के गुस्सा आएगा, परंतु संतान की गतिविधियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। कड़ी नजर रखें और मामा पक्ष से भी संबंध मधुर बनाकर रखना आवश्यक है। व्यवसाय में कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। पिता या पिता समान व्यक्ति का सहयोग व सलाह आपके लिए बेहतरीन उपलब्धियों का निर्माण करेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। आप या आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति के लिए परिवार को उत्साहित करने की कोशिश करेगा। घर में पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। शारीरिक बीमारी से छुटकारा मिलेगा। मानसिक रूप से परिवार स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। मृत व्यक्ति की चीजें दान करें, घर की काफी परेशानियां दूर होने में शुरुआत हो जाएगी। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे, परंतु व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट करना उचित नहीं है। ठंडे गर्म खान पान की वजह से गले में इन्फेक्शन होने की आशंका है। बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। आज आपका भाग्य अंक 2 होगा। शुभ रंग आपका पीला होगा। आज आप पीपल वृक्ष का पूजन करें, लाभकारी होगा। वृष राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज दिन का नजदीकी मित्रों के साथ मौज मस्ती में व्यतीत होगा, साथ ही लाभदायक संपर्क भी स्थापित होंगे। घर में सुधार संबंधी योजनाएं भी बनेंगी, ये योजनाएं बहुत ही बेहतरीन होंगी। वसीयत संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, परंतु व्यर्थ की गतिविधियों में अधिक खर्च होने की संभावना है, जिसकी वजह से बजट गड़बड़ा सकता है। अगर लोन लेने की योजना बन रही है तो अपने से अधिक पैसा उधार लेने से बचें। व्यवसाय की अधिकतम गतिविधियां घर से ही संपन्न हो जाएंगी। अपने कार्यों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें। आपकी योजनाएं लीक होने पर कोई उसका गलत फायदा उठा सकता है। स्थान परिवर्तन के इच्छुक नौकरी पेशा व्यक्तियों को शीघ्र ही शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपका कोई विचार आपके साथ साथ परिवार के सदस्यों को भावनात्मक ठेस पहुंचा सकता है। भावनाओं में बहकर कुछ ना करें। घर में किसी षड्यंत्र में बिगाड़ आपका हो सकता है, जो पैसे की हानि का कारण भी होगा। आपके काम में किसी की दखल अंदाजी आपको नाराज कर सकती है। अपनी अपनी व्यस्तता की वजह से एक दूसरे को व घर को समय नहीं दे पाएंगे, परंतु घर के बड़े बुजुर्गों का अनुशासन घर की व्यस्तता को उचित बनाए रखेगा। आंखों में दर्द या इन्फेक्शन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, अपना उचित इलाज लें। आज आपका भाग्य 3 होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा। आज आप गाय को चने की दाल खिलाएं, लाभकारी होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके मस्तिष्क में कई नई योजनाएं बन रही हैं, जो घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए उचित साबित होंगी, इसीलिए उन पर तुरंत अमल करना भी शुरू करें। घर में सगे संबंधियों का आगमन तथा मेल मिलाप के कारण घर का वातावरण खुशनुमा
बना रहेगा। भाइयों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाएगी, परंतु अनुभवी लोगों की मध्यस्थता से समस्या का निवारण भी जल्दी हो जाएगा। संतान की संगति पर जरूर नजर रखें, समय रहते कठोर निर्णय लेना आवश्यक है। कार्य क्षेत्र में कुछ सुधार संबंधी निर्माण के लिए बहुत अधिक खर्चा हो जाएगा, परंतु आय के मार्ग भी प्रशस्त रहेंगे, इसीलिए आर्थिक संबंधी दिक्कत नहीं आएगी। युवा वर्ग भी पारिवारिक बिजनेस में रुचि लेंगे। आप अपने आकर्षक व्यक्तित्व और भाषा से काफी मशहूर रहेंगे। आपकी कला और क्रिएटिव ज्ञान से लोगों को मोहित कर सकते हैं। आज आप के काम की आत्मसंतुष्टि पाने के लिए अपना काम करेंगे। मित्र परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत होगा। जीवन साथी के साथ को लेकर चिंता रह सकती है, परंतु आपका उनकी देखभाल में सहयोग करना आपसी संबंधों को मधुर बनाएगा। जोड़ों व नसों का दर्द बढ़ सकता है, ठंडी चीजों का सेवन ना करें। आज आपका भाग्य अंक 1 होगा। शुभ रंग आपका केसरिया होगा। आज आप केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और पूजन करें, लाभकारी होगा। कर्क राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपका अधिकतर समय मौज मस्ती तथा स्वयं के व्यक्तित्व को और अधिक निखारने में व्यतीत होगा। आपकी प्रभावशाली वाणी दूसरों के ऊपर बेहतरीन प्रभाव छोड़ेगी और सामाजिक क्षेत्र में आपकी छवि और अधिक निखारेगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, परंतु मनन करेंगे तो यह सिर्फ आपका वहम ही होगा। आज लाभ के कुछ स्रोत कम रहेंगे। मशीनरी तथा खान पान से संबंधित व्यवसाय में बेहतरीन अनुबंध प्राप्त होंगे। अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय उचित है। आपको धीरे धीरे बेहतरीन तरक्की हासिल होगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आध्यात्म के साथ साथ सोच और जीवन शैली में बदलाव लाएं, यह बदलते वक्त को और आसान कर देगा। महत्वपूर्ण कामों को ना टालें, भाई बहन के साथ विवाद को और ना खींचें। पिता का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। पति पत्नी के बीच में अकारण ही कुछ मनमुटाव रह सकता है, थोड़ी सी सूझबूझ से समस्या हल हो जाएगी। अविवाहित लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। भूख ना लगने या अपच जैसी शिकायत रहेगी। संयमित दिनचर्या रखना आवश्यक है। आज आपका भाग्य अंक 6 होगा। शुभ रंग आपका पीला होगा। आज आप केले का पूजन करें, लाभकारी होगा। सिंह राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। कुछ समय से आप अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा व आत्मविश्वास का अनुभव कर रहे हैं और उनकी वजह से आप अपने कार्यों को बेहतरीन प्रारूप भी देने में सक्षम रहेंगे। साथ ही धर्म कर्म तथा आध्यात्म में भी आपकी समय व्यतीत होगा। आपको अपनी मेहनत के रिजल्ट देर से मिल सकते हैं, परंतु इसके लिए तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिणाम आपको बेहतरीन ही प्राप्त होंगे। सिर्फ अत्यधिक ईगो व गुस्से पर काबू करना आवश्यक है। विदेश से संबंधित व्यवसाय में बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी, परंतु अपने पेपर वर्क तथा फाइलों को पूरा रखना अति आवश्यक है। रुके हुए कोर्ट के संबंधी मामले भी आगे बढ़ेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कोई नजदीकी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। किसी परिचित व्यक्ति द्वारा मानसिक तकलीफ हो सकती है। आपके मनमौजी स्वभाव के कारण आसपास खेल मेल का वातावरण होगा। जिस किसी विषय के बारे में आप गंभीरता से सोच रहे हैं, उसमें प्रगति नजर आएगी। पति पत्नी के बीच कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव परिवार पर नहीं पड़ेगा और जल्दी ही संबंध बेहतर हो जाएंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। आज आपका भाग्य अंक 4 होगा। शुभ रंग आपका गोल्डन होगा। आज आप अपने शरीर में चंदन का लेप करें, लाभकारी होगा। कन्या राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। दिल की अपेक्षा दिमाग से काम लेना आपके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि आपकी भावुकता का कोई नाजायज फायदा उठा सकता है। आज समय हास परिहास तथा मनोरंजन संबंधी कार्यों में व्यतीत होगा। विद्यार्थियों की अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्रता बनी रहेगी। सरकारी कार्यों को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि किसी तरह की पेनल्टी लग सकती है। पैतृक संबंधी मामले अभी और अधिक उलझने की आशंका लग रही है। दूसरों के कार्यों में अधिक मीन मेघ निकालना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आजकल आप व्यवसाय में नए नए प्रयोग कर रहे हैं, जो आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। आपको अपने काम के प्रति पूरी मेहनत के उचित रिजल्ट भी प्राप्त होंगे।
नौकरी पेशा व्यक्ति फाइलों व दस्तावेज बहुत अधिक संभाल कर रखें। धर्म पूजा पाठ में आज विशेष रुचि होगी। घर में सत्संग की तैयारी भी हो सकती है। विवाह योग कन्याओं के लिए अनुकूल समय उचित है। शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा। किसी पूजा या धार्मिक विधि में सेवा का अवसर भी मिलेगा। घर की देखभाल में जीवन साथी का पूर्ण सहयोग रहेगा तथा आपसी संबंध भी मधुर रहेंगे। प्रेम संबंध में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न होने से दूरियां बढ़ सकती हैं। अत्यधिक काम की वजह से मानसिक व शारीरिक थकान रहेगी। समय समय पर आराम भी लेना आवश्यक है। आज आपका भाग्य अंक 1 होगा। शुभ रंग आपका ऑरेंज होगा। आज आप भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें, लाभकारी होगा। तुला राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपका कर्म प्रधान होना स्वतः ही आपके भाग्य का निर्माण करेगा और आपको उचित उपलब्धियां भी हासिल होंगी। घर में भी अनुशासन तथा व्यवस्था बनाए रखने में आपका महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। सरकारी गतिविधियों से आपको बेहतरीन मुनाफा होने की संभावना है। चचेरे भाई बहनों से अपने रिश्तों को बहुत अधिक संभाल कर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अकारण ही उनके साथ तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद संभव है। आज व्यवसायिक गतिविधियों को अपने कार्य क्षेत्र में रहकर ही पूर्ण करें। किसी भी प्रकार की मार्केटिंग व यात्रा को स्थगित रखना ही उचित रहेगा। पिछले कुछ समय से वर्किंग स्त्रियों के लिए बेहतरीन स्थितियां बनी हुई हैं, इसीलिए अपना पूरा ध्यान काम पर केंद्रित रखें। आपका कम बात करना या विचारों को ना बताना दूसरों के लिए तकलीफ पैदा कर सकता है। किसी प्राचीन विषय में या शास्त्र में आपको दिलचस्पी होगी और उससे जुड़ा ज्ञान प्राप्त करने की भी संधि मिलेगी। आपके कार्य में जीवन साथी का भी शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्ण सहयोग रहेगा, परंतु विपरीत लिंगी व्यक्ति से मेल मुलाकात आपकी छवि को खराब कर सकती है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों में कटुता आने की वजह से कुछ तनाव रह सकता है। आज तुला राशि वालों का भाग्य अंक 9 होगा। शुभ रंग आपका केसरिया होगा। आज आप विष्णु सहस्त्र नामक स्रोत का पाठ करें, लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अपने आप को बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे तथा सभी कार्य को तुरंत पूरा करने के प्रयास में लगे रहेंगे। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन भी संभव है। आर्थिक स्थिति पहले से अधिक बेहतर हो जाएगी। कभी कभी निर्णय लेने में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। संतान संबंधी किसी प्रकार की चिंता रहेगी। अगर स्थान परिवर्तन की योजना बन रही है तो अभी कुछ समय तक स्थगित रखें। दिन के दूसरे पक्ष में पैसे से लेन देन संबंधी भूल हो सकती है। सरकारी गतिविधियों से जुड़े व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है। राजनीतिक संपर्क सूत्रों का भी महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों पर बॉस या उच्च अधिकारियों का दबाव बना रहेगा। मौज मस्ती के लिए अधिक पैसा खर्च ना करें, पछतावा होगा। बच्चों से जुड़ी चिंता माँ को अधिक परेशान कर देगी। घर के बुजुर्ग की तरफ विशेष ध्यान दें, उनको अकेलापन महसूस हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग आपके लिए भाग्य उदय का कारक रहेगा तथा आपसी संबंध भी रोमांटिक रहेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सिर्फ अत्यधिक थकान की वजह से टांगों में दर्द महसूस हो सकता है। आज आपका भाग्य अंक 3 होगा। शुभ रंग आपका हल्का गुलाबी होगा। आज आप केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, लाभकारी होगा। धनुराशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके आदर्श व लोगों के प्रति सहयोग की भावना की वजह से आपको समाज में उचित सम्मान प्राप्त होगा तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी और अधिक रुचि बढ़ेगी। वसीयत संबंधी कोई पुराना मसला भी हल होगा। बाहरी गतिविधियों में अत्यधिक समय व्यतीत करने की वजह से आपके अपने व्यक्तिगत काम अटक जाएंगे, जिसकी वजह से घर के लोग परेशानी महसूस करेंगे तथा अकारण ही आपका गुस्सा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। पुरानी प्रॉपर्टी की सेल परचेज से संबंधित व्यवसाय में महत्वपूर्ण डील हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऑफिस का माहौल खुशनुमा रहेगा तथा तनाव मुक्त रहेगा। व्यवसाय में वृद्धि होगी। खान पान में आपकी रुचि होगी। बदलते वक्त के साथ बदलाव लाना जरूरी है, इस बात से आप वाकिफ होंगे। नौकर और कनिष्ठ व्यक्ति के व्यक्तित्व बातों का पता ना चलने दें। नौकरी में तबादला मिलने में आप सफल रहेंगे या प्रोजेक्ट में बदलाव भी हो सकता है।
पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे, परंतु विवाहेतर संबंधों का असर आपकी सामाजिक छवि को खराब कर सकता है, इसीलिए सावधान रहें। गैस व कब्ज जैसी दिक्कत रहेगी, अपने खानपान व दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। आज आपका भाग्य अंक 4 होगा, शुभ रंग आपका पीला होगा। आज आप भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाएं, लाभकारी होगा। मकर राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। दूसरों की गलतियों को माफ करना आपके स्वभाव की मुख्य विशेषता है और यह विशेषता आपके लिए भाग्योदय कारक का साबित होगी। कोई भी कार्य करने से पहले पूरी तरह से उसकी रूपरेखा बनाएं और उसके बाद ही उस पर अमल करें। व्यर्थ की यात्राओं की अधिकता रहेगी, जिसकी वजह से समय बर्बाद होगा, साथ ही तनाव भी रहेगा। बच्चों पर अधिक रोक टोक करने की वजह से घर की व्यस्तता बिगड़ सकती है। व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखें। कार्यस्थल पर अपने काम करने की प्रणाली में परिवर्तन लाने संबंधी जो योजनाएं बन रही हैं, वे निकट भविष्य में बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली हैं। अभी उनके परिणाम मिलने में कुछ विलंब रहेगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय सुचारू रूप से चलते रहेंगे। प्रॉपर्टी के बारे में विचार विमर्श शुरू होगा। परिचित व्यक्ति से प्रॉपर्टी से जुड़ा सौदा सफल रहेगा। घर का पोजेशन मिलने में देरी होगी। विदेश में रहने वाले सदस्य या मित्र की वार्ता मिलेगी। आज आप मिली हुई विरासत को और आगे बढ़ाने के विचार में मग्न होंगे। पति पत्नी के बीच रोमांटिक वातावरण रहेगा, परंतु किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति का हस्तक्षेप संबंधों में कुछ दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। पैरों में दर्द व सूजन जैसी समस्या रहेगी। आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए उचित होगा। आज आपका भाग्य अंक 5 होगा, शुभ रंग आपका गोल्डन होगा। आज आप पीपल वृक्ष में दूध चढ़ाएं, लाभकारी होगा। कुंभ राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। ग्रह गोचर आर्थिक दृष्टि से पूर्णता आपके पक्ष में है, इसका भरपूर उपयोग करें। लाभ के अन्य मार्ग भी प्रशस्त होंगे। आप अपनी मेहनत व पराक्रम के बल पर किसी भी मुश्किल काम को पूरा करने में समर्थ रहेंगे तथा आपके दिमाग में नए नए बेहतरीन आइडिया भी आएंगे। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल आदि के चक्कर लगेंगे और अत्यधिक खर्चा भी हो सकता है। परिवार में किसी छोटे से मुद्दे को लेकर बड़ा विवाद भी होने की आशंका है। व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण लाभदायक ऑर्डर मिलने के योग बने हुए हैं, इसलिए घर की समस्या में ना उलझकर अपने व्यवसाय पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अचानक से कोई सूचना प्राप्त होगी। आपकी प्रगति आपके विश्वास और धैर्य का सबूत होगी। परिवार के लोग आपके लिए गर्व महसूस करेंगे। पारिवारिक बिजनेस संभालने में आप सक्षम रहेंगे। आपको पैसा कमाने के लिए नए रास्ते मिल सकते हैं। मित्रों को पैसे उधार ना दें, लिया हुआ उधार जल्दी लौट आने की कोशिश करें। जमीन पर रहकर ऊंचाइयों को छूने का जज्बा कायम रहेगा। व्यक्तिगत समस्याओं का असर पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा। बहुत अधिक धैर्य व संयम रखने की आवश्यकता है। पीठ के निचले हिस्से में सूजन व दर्द जैसी शिकायत रहेगी। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। आज आपका भाग्य अंक 2 होगा, शुभ रंग आपका केसरिया होगा। आज आप जल में दूध डालकर अपने पितरों का तर्पण करें, लाभकारी होगा। मीन राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर हल्के फुल्के मूड में रहेंगे। नजदीकी दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन व मेल मिलाप में समय व्यतीत होगा। युवा अपने करियर को लेकर बहुत अधिक गंभीर रहेंगे। संयुक्त परिवार में अलग होने जैसी बातों पर विचार विमर्श होगा, जिसकी वजह से कुछ विवाद भी हो सकता है। उस समस्या को सुलझाने में आप तनावग्रस्त भी रह सकते हैं। धैर्यपूर्वक निर्णय लेना ज्यादा उचित रहेगा। बीमा तथा कमीशन संबंधी व्यवसाय लाभदायक स्थिति में रहेंगे। आर्थिक स्थिति भी उत्तम बनी रहेगी। सहयोगियों व कर्मचारियों की सलाह आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। स्वयं प्रेरणा से नए काम को आगे बढ़ाएं। बच्चों की चंचलता और स्थिरता का मेल बना होगा। युवा अपने लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू करेंगे। परिवार का कम उम्र का सदस्य आर्थिक तरक्की की ओर बढ़ेगा। भाइयों में संवाद बना रहेगा। पति पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहेंगे। प्रेम संबंध मर्यादित व सफल होंगे। परेशानियों की वजह से मानसिक तनाव रहेगा तथा ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं भी उठ सकती हैं। आज मीन राशि वालों का भाग्य अंक होगा 7, शुभ रंग आपका होगा पीला। आज आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, आपके लिए लाभकारी होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी मित्रों।